नमस्कार बिहार योद्धा पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे झारखंड जीके के महत्वपूर्ण सवाल और ये सेट नंबर 59 है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे सेटों का संग्रह कर चुके हैं और ये डेली सेशन शाम को 6 बजे आप लोगों के बीच आता है। इसमें हम लोग रोजाना 50 से ज्यादा सवाल करते हैं और ये आपके JPSC 2021 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल बोला, निम्न में से किस घटना के बाद जत्रा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। आज का पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मबोध की प्राप्ति के बाद। दूसरा नंबर सवाल बोला, ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था। ताना भगत आंदोलन किन के विचारों से प्रभावित था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल बोला, रघुनाथ महतो की जन्म झारखंड राज्य के किस जिले में हुआ था। सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट होगा। अगला सवाल बोला, रघुनाथ महतो का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था। घुटियाड़ी। अगला सवाल बोला, गंगा नारायण का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। गंगा नारायण का संबंध कौन सा विद्रोह से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिज विद्रोह से संबंधित है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट करें प्रांसी आईएएस एकेडमी, तो वहां पे आप लोग जाइएगा तो जेपीएससी के ध्यान में रखकर वहां पे बहुत सारे सवाल कराया गया, तो जरूर एक बार विजिट करें प्रांसी आईएएस एकेडमी। अगला सवाल बोला, गंगा नारायण की हत्या कब की गई थी। गंगा नारायण की हत्या 7 फरवरी को 1833 ईस्वी को। अगला है, तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म की बात किया जाए तो 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। अगला है, किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बोधन सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल बोला, रानी सर्वेश्वरी निम्न में से किस स्थान की रानी थी। सुल्तानाबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल बोला, निम्न में से किसके सहयोग से रानी सर्वेश्वरी ने दामिन ए कोह का विरोध किया। पहाड़िया सरदार, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला बोला, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुआ था, चलिए बताइए। 11 नंबर सवाल है, तो इस प्रश्न का 6 मई हो जाएगा, 6 मई 1807 ईस्वी। अगला है, पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई। पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई, यह है 12 नंबर सवाल, फांसी से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। गया मुंडा का जन्म एटकेडी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है, गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। सानरे मुंडा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल आज का 15 नंबर बोल रहा है, पोरहट के किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। महेश शाही, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर बोल रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था। चलिए बताइए कौन सा अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था, यह है 16 नंबर सवाल। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेसन, क्या हो जाएगा, नेसन। अगला सवाल बोल रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 की बात कर रहे हैं, उस समय झारखंड के कौन सा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। सत्रह का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारीबाग। अगला सवाल बोल रहा है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहां पे फांसी दिया गया था। रांची, रांची जिला स्कूल के गेट पर जहां पे कदम के वृक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिनको पेड़ पर फांसी दी गई थी, कौन सा पेड़ था, तो अभी तुरंत बताएं, कदम का पेड़ था। अगला सवाल बोला, राजा नीलमणि सिंह ने किस जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया था। संथाल, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल। राजा नीलमणि सिंह को किस अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। माउंट गोमेरी, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा। नीलांबर पीतांबर को किस विद्रोह में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है, कौन सा विद्रोह के लिए।
1857 का विद्रोह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा का जन्म इनमें से कौन सा स्थान पे हुआ था? इस जगह का नाम था नौसारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा का माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जीवन बाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट होगा। अगला सवाल बोला, जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा ने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल का स्थापना कहाँ किए थे? नागपुर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस लेक्चर का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नजर आएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे आप लोगों को सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है। इसके पहले जो शनिवार और रविवार को जो टेस्ट की तरह हम लोग देखते हैं ना, वो लंबा सेशन रहता है जिसमें हम लोग 500 सवाल देखते हैं दोनों मिलाकर, तो शनिवार रविवार का पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप लोग एक बार जरूर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। और जो अभी पढ़ रहे हैं इसका भी पीडीएफ आप लोगों को रविवार तक मिल जाता है। अगला सवाल बोला, जे एन टाटा की मृत्यु कब हुआ था? चलिए 25 नंबर सवाल हुआ ना नागपुर, 26 नंबर का बताइए, जे एन टाटा का मृत्यु कब हुआ था? 19 मई को हुआ था, 1904 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है 27 नंबर, सखाराम देउस्कर का परिवार था मराठा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है, नागरमल मोदी द्वारा किस वर्ष अबला आश्रम की स्थापना की गई थी? नागरमल मोदी जी के द्वारा किया गया था, चलिए बताइए, 1935 में। अगला सवाल बोल रहा है, राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तितरिया, जो कि चतरा में पड़ता है। अगला सवाल है, स्वराज लुटिया नामक रचना किसकी है? राम नारायण सिंह का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जे आर डी टाटा का जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई को हुआ था, 29 जुलाई 1904 हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है, भारत में विमान उड़यन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? जी आर डी टाटा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि किस वर्ष टाटा एयरलाइंस को राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया? 30 नंबर सवाल है ना, 33 है, 33 का सही आंसर करिए, 33 का 1953 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 34, जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? बहुत ज्यादा ये पॉपुलर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी 1903 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोला, जयपाल सिंह का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ था? कौन सा जनजाति? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंडा हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ये कल भी सवाल करवाए थे, सांस्कृतिक गुरु का नाम था शुक्रा पाहन। अगला सवाल है, जयपाल सिंह के कौन से शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजे थे? 37 नंबर का सही आंसर केनन कोर्स गेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोला, जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 ईस्वी। अगला है 39 नंबर, जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जुएल लकड़ा की बात कर रहे हैं, तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1947 ईस्वी। अगला है 40 नंबर, जुएल लकड़ा की मृत्यु कब हुई? जुएल लकड़ा की मृत्यु 13 सितंबर को हुआ था 1994 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 41, शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? शिवचरण लाल महतो, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट हो जाएगा 41 का। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या है? रूपी, रूपी सोरेन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बोरा, शिबू सोरेन निम्न में से किस संस्था का गठन किए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनोत संथाल समाज। अगला सवाल है, कार्तिक उराव ने किसकी सलाह पर विदेश की नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कौन सा अतिथि को अल्बर्ट टेका को वीरगति प्राप्त हुआ था?
3 दिसंबर था, 1971 की बात हो रहा है। अगला सवाल है 46, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? इनका नाम था इग्नेश बेग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 47, निम्न में से कौन झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं? डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है 48 में झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता थे यशवंत सिन्हा, और बोल रहा है कि इन्होंने कौन सा पद को सुशोभित किए हैं? इन भारत के वित्त मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का 49 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में से किस व्यक्ति ने यूरेनियम के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इनका नाम क्या है, चलिए बताइए। 49 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री प्रकाश। अगला सवाल बोल रहा है, निम्न में से झारखंड के कौन सा व्यक्तित्व को भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? ये नाम बहुत पॉपुलर है, चामी मुर्मू नाम है इनका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है, निम्न में से किस महिला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? काउंटर मीडिया अवार्ड मिल चुका है दयामणि बारला को, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है, CAMPA का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पेंसेटरी एफोर्ट एस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 53 नंबर, बोल रहा है JAPIT का पूरा नाम क्या है? झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल 54, JEPC का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते जे से झारखंड हो जाएगा, ई से एजुकेशन, पी से प्रोजेक्ट, सी से काउंसिल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। और आज का 55 नंबर सवाल में बोल रहा है JET का फुल फॉर्म क्या है, जेटा। देखिए जे से हो जाएगा झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी को बोलते हैं। अगला सवाल है JSDMS का पूरा नाम क्या है? 56 का हो जाएगा जे से झारखंड, एस से स्किल हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट, एम से मिशन, एस से सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट होगा। अगला सवाल बोल रहा है JSAC का पूरा नाम क्या है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होगा। और आज का 58 नंबर में सवाल में बोला है JTDC का पूरा नाम क्या है? ये बहुत बार सवाल बिखरा चुके हैं, बहुत पॉपुलर सवाल है, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। ये था 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल तक कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो जाइए कमेंट सेक्शन में और वहां पे जाकर अपनी जो भी प्रतिक्रिया है व्यक्त कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे जाइए सर्च करिए बिहारी योद्धा, आपको खुद से वहां पे मिल जाएगा। और ये सेशन था आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है, बहुत ही इस पे मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना भी प्रयास करिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहारी योद्धा।